अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को वाल विकास का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, किसके लिए जाने जाते थे पियाजे, बताएं आप लोग। तो जो भाषा विकास है वो उस पर चॉम्स्की ने सर्वाधिक कार्य किया, तो भाषा विकास के लिए चॉम्स्की जाने जाते हैं। और सामाजिक विकास के लिए एरिक्सन जाने जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। इसलिए इसका आंसर है सी, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बताएं इसका आंसर। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है? जो कोहलबर्ग थे उसका सिद्धांत भाषा विकास से चॉम्स्की, संज्ञानात्मक से जीन पियाजे, सामाजिक से एरिक्सन और नैतिक विकास से कोहलबर्ग थे। इसका आंसर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्य होता है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। तीसरा ऑप्शन, शेष व्यवस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक, बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्र चिंतन, कार्य कारण या विपर्य चिंतन, इसका आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो वह कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है, वजह, मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपरक, प्रकाश, प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से डॉट डॉट भिन्न होता है, बताएं इसका आंसर। इसका जो आंसर है, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, पुनर्वरण प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताएं आप लोग।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और स्वयं वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। संज्ञानात्मक चरण, संवेगात्मक चरण, नैतिक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, जो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, वही दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? वो है अंतर्दर्शन विधि। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, या ये सभी। बताएं इसका आंसर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम। तो इसका आंसर डी, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन छात्रों के भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला वाद्य सामाजिक परिस्थिति यह है कथन किसका है? छात्रों के भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला वाद्य है सामाजिक परिस्थिति, यह कथन किसका है? प्याजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, या सभी। बताएं इसका आंसर। छात्रों के भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला वाद्य है सामाजिक परिस्थिति, यह कथन वाइगोत्स्की का है। बी इसका करेक्ट आंसर। पीएससी संबंध विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? पीएससी संबंध विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी के नमूने वाला झूला झूलना, वाल फेंकना, रेत पर चित्र खींचना। पीएससी संबंध विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप वाल फेंकना। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पहचान विकास संबंधित है। एरिक्सन, फ्रायड, वाइगोत्स्की, जॉन डीवी। बताएं इसका क्या है आंसर। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सभी अधिगमकर्ता के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। सभी अधिगमकर्ता के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है, इसका आंसर क्या होगा बताएं। इसका आंसर है उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना, सीखना। सी इसका करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है अनुप्रयोग। सी इसका करेक्ट आंसर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। बताएं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बी इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित नियम। इसका आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताएं इसका आंसर, विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है, निरंतर विकास का भी सिद्धांत होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक ने दिया था। किसने? हरलॉक। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शेष अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पूर्व किशोरावस्था, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, नैतिक निर्णय द्वारा। बताएं इसका आंसर। संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है? विकास की किस अवस्था को गैंगेज कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, शेष अवस्था। तो गैंगेज कहा जाता है बाल्यावस्था को। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नॉम चॉम्स्की, वाइगोस्की, जीन व्याजे, कोहलबर्ग। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा विकास पर सर्वाधिक कार्य चॉम्स्की ने किया। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्ण अवस्था। शिशु आत्म केंद्रित होता है पूर्व बाल्यावस्था, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 22, 45, 23, 63। बताएं इसका आंसर। तेईस इसका आंसर है। तेईस, तेईस महिला में 23 पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र का वो अलग होता है। पुरुष में वाई होता है, महिला में एक्स होता है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है
यह कथन किसने दिया था? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन रॉस ने दिया था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों या कोई नहीं, बताएं इसका आंसर। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों से। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है, बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं प्रतिबद्धता। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्याजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम होता है, कैसा होता है? शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र होता है, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति आगे बढ़ता है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। इसका जो आंसर है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था अवधि होती है, तो मध्य बाल्यावस्था अवधि 6 से 11 वर्ष होती है। तो आज का ये टॉपिक था बाल विकास के 30 क्वेश्चन। सीटेट में जो टारगेट रखा गया 30 में से 30 आने का, आप लोग इसलिए अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए।